नमस्कार, मैं जून मेसी, इंडिया लुक न्यूज। जंतर मंतर पे शरारत, किसका शरारत हम बातचीत करेंगे। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि केंद्रीय सरकार जो कि कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन इस तरफ केंद्रीय सरकार के लिए शरारत करा जा रहा है, और वो भी ब्राह्मण से जो लोग हैं वही लोग आज जंतर मंतर पे हैं। हम दिखाते हैं कि देखिए शरारत कर रहे हैं क्यों, आज ऐसा नौबत क्यों आ चुका है कि केंद्र सरकार के लिए शरारत कर रहे हैं। हम उनसे बातचीत करते हैं। कुलदीप जी, आज आप लोगों को ऐसा क्या नौबत आ गए कि आप ST/XC जो एक्ट है उसके खिलाफ आ गए हैं, और उसके बाद आप लोग आज केंद्र सरकार का शरारत करिए, एक अजीब सी बात हो गई सर। नहीं, अजीब नहीं है। अभी आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र सरकार चाह रहे थे, हिंदू तो बहुत बड़ी संख्या में, उसका एक छोटा सा हिस्सा ब्राह्मण, आप उसी को नहीं संभाल पा रहे, उससे थोड़ा सा बड़ा हिस्सा सवर्ण समाज आप उसको नहीं बना पा रहे। देखिए, अभी आपको मालूम है कि ST/ST एट्रोसिटी एक्ट में कुछ संशोधन किए गए अगस्त 2018 में, और उन संशोधनों में जो सबसे बड़ी मानवता विरोधी चीज़ें जोड़ी गई, जिसके तहत अगर कोई आपके ऊपर आरोप लगाए, बेशक वो झूठा हो, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, 6 महीने तक आप जेल में रहेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट तक को अलग कर दिया गया नए अमेंडमेंट में। और तीसरी चीज़, आपने आरोप लगाने वाले के लिए एक व्यवसाय खोल दिया, आरोपी को 2.5 लाख रुपया मिलता है आरोप लगाने के समय पर, गौर कीजिएगा। अर्थात क्या होगा कि हमारी कोई सुनवाई नहीं, हमने यहाँ आए कि मिलिए आज़ाद भारत के गुलाम लोगों से। बेशक 15 अगस्त को हमारा राष्ट्र आज़ाद हो गया, लेकिन उसके संविधान से ये ब्राह्मण समाज, ये सवर्ण समाज कहीं ना कहीं गुलाम बन गया। हमने सरकार से अपील की थी कि ये जो अमेंडमेंट, हम पूरे एक्ट को नहीं हटवा रहे हैं, हम कह रहे हैं जो आपने मानवता विरोधी जो अमेंडमेंट किया है, इनको हटाइए, इनको वापस लीजिए, इन पर पुनर्विचार कीजिए। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अहंकारी रवैये पर अपने है। आज इसीलिए दूसरे चरण के तहत पितृपक्ष की अमावस्या पर हमने इस केंद्र सरकार का श्राद्ध कर दिया है, और अब तीसरा चरण, हमारी लड़ाई 3 चरणों में है। तीसरे चरण पर यदि सरकार अब भी नहीं सुनती है, हम बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं, हमारा बीजेपी कांग्रेस से लेना देना नहीं है, हमारा जिस सरकार ने निर्णय लिया है वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, है एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तीसरे चरण के अंतर्गत हम लोग 6 दिसंबर को, गुरुवार को, इसी स्थान पर इस मानवता विरोधी बिल को पास करने वाली संसद के सामने, यही संसद मार्ग पर इस केंद्र सरकार का पिंडदान करेंगे, सरकार को दबा देंगे। और ये खुली, वो कहते हैं ना कि हम अमन चाहते हैं जंग के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। आप लोग खुलेआम देखिए, हम भक्ति एवं शक्ति के प्रतीक, शास्त्र से शस्त्र तक में निपुण भगवान परशुराम जी को पूजते हैं, प्यार से मनाते हैं, तकरार से मनाते हैं, उसके बाद तो हमारे जो आदर्श हैं आप जानते ही अच्छी तरीके, फिर वो है तो हमें कोई दिक्कत है। आप बताइए ना, आप हमारी सुनना नहीं चाहते, हमें दबाना चाहते हैं। अभी 2 दिन पहले का केस है मथुरा के अंदर, एक घर में चोरी करते हुए चोर पकड़ा गया, वो आरक्षित वर्ग का था, उल्टा जिसके घर में चोरी थी उस आरक्षित वर्ग के चोर ने उनके ऊपर केस करा दिया। इसके बाद हमारे पास, या हम ये करें कि यहाँ पर अपनों से जंग ना करके हम विदेश के किसी दूतावास में जाएं और वहाँ पर जाकर हम सामूहिक रूप से शरण मांगें कि महाराज हमारे साथ इस देश के अंदर अत्याचार हो रहा है, इसलिए हमें अपने देश के अंदर शरण दी जाए। सुप्रीम कोर्ट को हटा दिया है, सुप्रीम कोर्ट को एक साइड में कर, तो आप लोग अभी नेक्स्ट अपील कहाँ से करेंगे सर, कैसे करेंगे? वही बता नहीं, सुप्रीम कोर्ट के सरकारें साइडलाइन कर सकती हैं, तो अब तो सीधी बात है, क्योंकि ये जनमानस पर चोट है, ये मानवता पर चोट है, तो इसके लिए मानव को, मानवता वालों को सामने आना ही पड़ेगा, संविधान ने जो अधिकार दिए हैं सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। अच्छी अच्छी चीज़ें झुक जाती हैं मैडम जन के सामने, क्योंकि ये सरकार है, यहाँ सर गिने जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें झुक जाती हैं, बाकी बाकी तो देखा जाएगा जो कुछ होगा। इनका कहना है कि अगर सरकार इनकी बातों को नहीं मानेंगे तो खुले आम, खुले मैदान में ये लोग आ जाएंगे, क्या ऐसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक आप लोग देखते हैं इंडिया लुक न्यूज़। नमस्कार।